10th part here is defining that if bromine atom is available in the form of say two isotopes, दो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं, उसका एवरेज एटॉमिक मास हमें निकालना है. एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए उसका हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए. दोनों के एटॉमिक मास हमें दिए हुए हैं, फर्स्ट वन हैज 79, सेकेंड वन हैज 81. अब 79 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो परसेंटेज इट इज 49.7. 81 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 50.3% से, देन डिवाइडिंग इट विथ 100. अब 79 और 49.7 को क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि एटॉमिक मास निकालना था. एवरेज एवरेज 79 है, मतलब पहले वाले की 79 एटॉमिक मास है. मल्टीप्लाइंग इट विद द परसेंटेज दे एग्जिस्ट इन, तो 79 को आप 49.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 3926.3. सेकेंडली 81 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 50.3 से, तो आपको मिलेगा 4074.3 एंड डिविजन में क्या आएगा, 100. दोनों को ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर्स को, तो 8000.6 हो गया, डिवीजन में क्या है 100, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 80.006 यू. और फाइनली आप क्या कह सकते हो, 80 यू भी कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली. तो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम इन दिस केस इज स्पेसिफिकली 80.